बैंक और उसको आपने तिजोरी में बंद कर रखा है, अरे बाहर तो आइए, बैठल बैठल कैसे मन लागत तो हर बार, बैठे बैठे सुंदर सुंदर में कैसे तुम्हारा मन लग रहा है, सखा बाहर तड़प रहे हैं, और बैठल बैठल कैसे अंदर बैठल कैसे मन लागत तो हर बार, झांकी तुहारे याद करके जियरा तरसत हमार बार, अरे तनी आवना बिहारी मैदान में काहे भरल बड़ इतना गुमान, सखा आवान कर बाहर बाहर आओ, बाहर कौन ले जाएगा इनको, सखा जीव है और लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, तो जीवों की लालसा को अपने हृदय के थाल में लेकर के रघुनंदन के सामने परोस दिया, ये तुम्हारे जीवों की लालसा है, तुम्हारे सखा तड़प रहे हैं, मन में आवे तो कोई बहाना बना लो, चलो बहाना क्या बनाएंगे, लखन हृदय लालसा विषय की जाई जनकपुर आई देखी, बीच के भाव उमड़ तो रहे हैं लेकिन घड़ी कह रही है कि अभी नगर दर्शन भी बाकी है और फुलवारी भी बाकी है, अब क्या करें, अब दिन भी केवल कल और परसों का और वो भी घंटा भर छंटनी कटनी के साथ है? रहेगा तो विवाह तक, लेकिन विवाह तक भी काफी विस्तार है, विस्तार से चलने दे, तो आज अगर 6:30 तक बैठ जाए तो कोई हरित तो नहीं है, हाथ उठाइए, अरे परसेंट परसेंट मत आ गए, परमहंस जी कहते हैं कि मेरा तो दाव लग गया है, 6:30 नहीं 7 बज जाए तो भी कोई बात नहीं, असल में दोनों तरफ हाथ मारना चाह रहे हैं, यहाँ 7 बजे तक और आज नल खेड़ा वाले भैया भी जोर लगा गए हैं कि चाहे इतनी देर के लिए नल खेड़ा आना होगा, ठीक है 7 बजे तक यहाँ और फिर यहीं से सीधे नल खेड़ा और 8 बजे से 9:30 तक नल खेड़ा, भगवत सल भगवान की है। अच्छा तो आइए, दशरथ दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर ललनवा विराजमान सुंदर सदनवा, दशरथ के सुंदर देखती नगर के रचनवा विराजमान सुंदर सदनवा, श्री हरेण नगर की रचना देखते गुरुदेव इनके संकेतों को समझ गए, ये कुछ चाहते हैं,
लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बोले कि प्रभु भय बहुरी, प्रभु भय बहुरी मुनि सब जाही, प्रकट न कही मन ही मुस्काई। प्रभु का भय और मुनि का संकोच, प्रभु भय बहुरी मुनि सब जाही। ध्यान दीजिएगा श्री हरिम, एक बात बीच में एक मौका दे दूं, जिन भाइयों को किसी आवश्यक कार्य से, शारीरिक क्रिया से, चाहे कोई पारिवारिक समस्या को लेकर के 7 बजे तक नहीं 6:30 बजे तक बैठने में कोई लाचारी हो, उनको छूट है मेरी तरफ से। 2 मिनट प्रभु का नाम ले रहा हूं इसी बीच में, बारी बारी ना उठे, नहीं तो बारी बारी लोगों को उठते देख कर कलेजा बैठने लग जाता है। इसलिए जिनको उठना हो एक साथ उठिए और बिल्कुल निसंकोच चल दीजिए, जो रहेंगे वो आगे का आस्वादन करेंगे। जिनका जाना जरूरी है अथवा जाकर फिर आना चाहते हो जाइए, निबट के आ जाइए। सीताराम जय सोच रहे हैं। मानस की पंक्ति है, पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेखी, विशेष हर्षित हुए और मन में हुआ कि अभी तो बाहर बाहर नगर की रम्यता देखी, तब तो इतना हर्ष हो रहा है, जब नगर बाहर बाहर इतना सुरम्य है तो भीतर कैसा होगा। देखी अमराई सुंदर नगर के निकाई, ललचाई गई ले लक्ष्मण जी के मनवावला। दर्शन हुआ होगा, चला
समेत आगे बढ़िए, हर से अंग समेत विषेकी, विषेकी का सामान्यतया अर्थ तो होता है विशेष हर्षित हुए, लेकिन हम लोग मिथिला पक्ष से एक रसमय विनोदात्मक अर्थ करते हैं, हर से अनुज समेत विशेखी, सारी सेखी भूल गए अपने अवध नगरी के संदर्भ की रचना, विशेखी देखी विसरल सब से जनकपुर की रचना देख करके हमारा सारा अनुमान, हमारी सारी सेखी भूल गई। क्या विशेषता है यहाँ, जहाँ पहुंचे नयनवा जहाँ आंख गई वही चिपक जाला मनवा, जहाँ पहुंचे नयनवा चिपक जाला मनवा, जहाँ गई वहीं मन चिपक गया। इतना ही नहीं, ओके मनवा और नयनवा बे मनवा होला, ओके मनवा नयनवा बे मनवा होला, ओके मनवा नयनवा बे मनवा होला, दूसरे की आकर्षक वस्तु को देख करके और अपना अधिकार जमा लेने की बात मन में आती है, इसी को बेईमानी कहते हैं। लक्ष्मण जी का कथन है कि हम हमारा मन और नैन दोनों बेईमान हो रहे हैं, किस बात के लिए, ताकि अवसर जो पैती मौका मिलता तो, अवसर जो पैती फिर तो जन्म जयती, अवसर जो पैती फिर तो नहीं जयती, ऐसे कैसे रह जाओगे, ताकि भैया करो किछु, भैया करो किछु ऐसने जतन हो, जनकपुर के किन किन विशिष्ट बिंदुओं पर तेरा मन इतना आकृष्ट हो रहा है। बोले कि पहला बिंदु, जोग और भोग के अपूरब बा मिलनवा, अन्यत्र जहाँ जोग होता है वहां भोग नहीं, शंकरदेव जी का जोग है लेकिन वहां भोग नहीं,
और रावण के यहाँ भोग है लेकिन वहाँ योग नहीं है, लेकिन वार है जनकपुर, यहाँ योग और भोग दोनों एक साथ, और वो भी पराकाष्ठा के योग भोग महाराज हैं। योग और भोग के अपूर्व बापी लंदवा ऐसा करता हूँ ना लौकेला जानवा होला ऐसा करता हूँ जनकपुर की दूसरी विशेषता ज्ञान और प्रेम के तो खुल यहाँ खाना, ज्ञान की भी खान खुली हुई है और प्रेम की भी खान खुली हुई है यहाँ। अन्यत्र ज्ञानियों की सभा में प्रेम नहीं होता और प्रेमियों के यहाँ ज्ञान का आदर नहीं होता है। हमें क्या लेना देना ज्ञान और मेरा किसे, न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। लेकिन यहाँ ज्ञान भी आले दर्जे का और प्रेम भी पड़ा करता है। ज्ञान और प्रेम के तो खुल यहाँ खनवा, ये कर करत ना बनेला बखनवा, वाणी से वर्णन संभव नहीं है। और तीसरी विशेषता जनकपुर की बोले कि बालक चाहे वृद्ध हो साधक चाहे सिद्ध, सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा। सबकी दृष्टि पवित्र है, सबके नेत्र श्रोत्र पवित्र है, सबकी वाणी पवित्र है, और जनकपुर की पवित्रता सब जगह नहीं मिल सकती है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं, तो इनमें विशेषता तुमको इनसे क्या लेना देना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जोरे लायक नाता, जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता, जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। नाता जोड़ने लायक नगर मालूम होता है, ताकि वाह लक्ष्मण वाह तुमसे बड़ा भाई अभी मैं मौजूद हूँ और मेरे ऊपर गुरु जी मौजूद हैं, और बिना हम लोगों की राय लिए तुम नाता जोड़ने तक की बात सोचने लगे, ताकि मनमाने ढंग से नहीं तो जोरे लायक नाता हमरा नगर ही बुझाता। लेकिन कब करते गुरु बाबा अनुमति कदनवा होता, करते गुरु बाबा अनुमति कदनवा होता, लचराई दिले मनमा होला। धीरे से इशारा कर रहे हैं भैया ये तो तभी संभव है, कब बोले टूटे पिनाक अगर हमरे करनवा। हमारे यहां से धनुष टूटे तब तो ये संभव है, टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा तब तब तो हो ही जाती सिया के सजनवा होला, गुरुदेव दोनों भाइयों के
इशारेबाजी को देख करके समझ गए कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच के बारे में नहीं कर पा रहे हैं। अब इतना अंकुश लगाना ठीक नहीं है, बोलने लायक भी कुछ न रहे, इसलिए गुरु जी ने अनुमति दी बड़े प्यार वाले शब्दों में। बोले जी लाल जी आप दोनों भाई लगता है मुद्रा से कि कुछ कहना चाहते हैं, संकोच के मारे नहीं कह पा रहे हैं, मेरी तरफ से अनुमति है लाल कहिए क्या कहना चाहते हैं। तब रघुनंदन बोले परम विनीत, गुरुजनों के सम्मुख कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए सीखना हो तो श्री राम जी से सीखिए। परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई, गुरु का अनुशासन पाकर जी बोलिए, सकुचते हुए बोलिए कि कुछ गलत ढंग से कुछ न निकल जाए, और मुस्कुराते हुए प्रसन्न मन से बोलिए। रघुनंदन हम लोगों को बोलना भी सिखा रहे हैं, मर्त्यावतार मर्त्य शिक्षण, और गुरु जी कह रहे हैं रघुलाल निहाल भय ममनेन बिलो की छटा शुभ आनंद की, मन को सुख होके भांति कहो जन सिद्धि भई सब साधन की, अब चाहत अमृत बैन सुनो अभिलाष यही इन कानन की, के हेतु लला मुस्काई रहे वह बात कहो अपने मन की। मेरी तरफ से अनुमति है मेरे प्यारे लाडले राघव क्या कहना चाहते हैं। तब बोले गुरु अनुशासन पाई, क्या बोले नाथ लखन पूरे देखने चाहे लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपके भय संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं, नहीं नहीं कहिए मेरी तरफ से अनुमति है। बोले पुर देखना चाहे जनकपुर देखना चाहते हैं, आपका क्या विचार है राघव, आपका क्या विचार है। राघव बोले कि जो यदि रावर माने आपका अनुशासन पावो, आपका अनुशासन मिल जाए तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ, आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं भैया को नगर दिखा करके लाऊं। मिथिला वाले नाड़ी पकड़ करके और भीतर की फट जान जान जाते हैं, मानस धन्यात्मक कहते हैं। मिथिला वालों ने कहा कि हाँ लखन लाल जी देखना चाहते हैं और दिखाने के लिए आप जाइएगा, इसमें स्पष्ट ध्वनि आ रही है, गुरु बाबा से अनुमति मांगत जनक नगर दर्शन के, उत्कंठा तो अपने मन में ओट लिए लक्ष्मण के। भोज भंडारे में कोई बढ़िया पदार्थ स्वादिष्ट अपने पत्तल में से चूक गया हो ये नहीं कहते कि लाओ मेरे लिए अमुक वस्तु दो, देखिए साहब बगल वाले के पत्तल में अमुक पदार्थ नहीं है, मतलब वहां आए तो यहाँ भी देखेंगे ही यहाँ भी दे देंगे, इसको पर मुंडे फरहार कहते हैं। सखियां कहती हैं कि आपके मन में भी लालसा है, ऐसा कैसे ताकि नहीं तो देखना चाहते हैं लक्ष्मण, आप क्यों जाना चाहते हैं दिखाने के लिए, आपका खुद का दिखा हुआ है क्या, जितने तारीख में
जितने बजकर जितने मिनट पर लक्ष्मण जी आए उसी तारीख में उतने ही बजकर उतने मिनट पर आप भी आए। जब खुद का आपका देखा हुआ नहीं है तब लक्ष्मण को क्या दिखाइएगा? बोले दिखाने के लिए तो यहाँ से कोई नागरिक जानकार पथ प्रदर्शक ले लेंगे, देखना चाहते हैं लक्ष्मण, दिखाएगा यहाँ का जानकार नागरिक पथ प्रदर्शक, फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? किसी में तो ध्वनि है कि आपके मन में भी है देखने की, लक्ष्मण जी के नाम पर आप स्वयं देखना चाहते हैं। गुरुदेव ने बड़े प्यारे प्यारे शब्दों में अनुमति दी, जाई देखी आओ नगर, दाता हो तो ऐसा उदास। याचक एक अनुमति मांग रहा है अनुज को नगर दिखाया हूं, और दाता तीन अनुमति दे रहा है, जाई देखी आओ नगर, सुख निधान दो भाई, और करो सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखा। लक्ष्मण को दिखायाओ और रघुनंदन स्वयं भी देख आओ और नगरवासियों को दिख आओ। श्री हरे नमः। गुरु जी ने अनुमति दे दी, जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन सुखपूर्वक सुखपूर्वक जावो सुबंधु कुले, एते भली बात न अन्य बनेगी, अति दुर्लभ दर्शन पा करके नगरी तब भक्त अनन्य बनेगी। रघुराई तुम्हें लख के जग की, सुघराई निकारी नगण्य बनेगी। अजी तुम देखोगे क्या मिथिलापुरी को, मिथिला तुम्हें देख के धन्य हो, मिथिला को तुम क्या देखोगे राम, मिथिला तुमको देखेगी और अपना भाग्य सराहेगी। चल पड़े दोनों भैया और हल्ला मच गया पूरी नगरी में। अरे सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, अपना ध्यान वहां रखो। प्रागंभिक प्रसंग है श्री हरे नमः। सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर, इनके देखे खातिर मिथिला में मचल बाटे शोर, जे ही देखे वह होखे इनका प्रेम में विभोर, विभोर हो जाता है। दशा क्या होती है, कैसे विभोर हो जाता है? जे ही देखे वही होखे इनका प्रेम में विभोर, देखी करिया बदरिया जैसे नाचे लागे मोर, 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 सखी गली गली घूमत अवध के किशोर, सखी मैंने उन्हें देखा। दूसरी बोली कि तुमने उनको देखा ना? बोले हाँ। और तुम कहा कि उन्होंने तो